और चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां पर राजधानी देहरादून में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए हैं। पूरे शहर में डेंगू को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, कई लोगों की मौत भी हुई है। वहीं सभी लोग इस समय डेंगू की चपेट में हैं, लेकिन नगर निगम की नाकामयाबी अब सामने आने लगी है। शहर के लोग नगर निगम में प्रदर्शन करने लगे हैं। वहीं सरस्वती विहार समिति के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर प्रदर्शन किया है और उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से सड़कों में गड्ढे हैं और उनमें पानी भरा हुआ है, उनकी वजह से ही मच्छर पनप रहे हैं। और इस बीच में मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा है कि नगर निगम के द्वारा सभी क्षेत्रों में फॉगिंग की जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नगर निगम लगातार फॉगिंग करा रहा है, लेकिन डेंगू की केस जो है लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए पब्लिक में भय का वातावरण भी है। इसके लिए आज से हमने तय किया है कि शाम को जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में डेंगू के केस ज़्यादा मिल रहे हैं, वहाँ नगर निगम की टीम एक अलग से अभियान चलाएगी। आज जैसे अभी मेरी संज्ञान में आया कि सरस्वती विहार का जो क्षेत्र है वहाँ भी अधिक मात्रा में डेंगू के पेशेंट हैं, तो आज नगर निगम की टीम वहाँ जो है अलग से फॉगिंग की व्यवस्था भी करेगी।